गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 87 निकालो, 88 पेज नंबर निकालो। क्वेश्चन नंबर हमारे 4, 5, 6, 7, 8 और 10 हो गए, 9 और 11 बाकी है। चलो जरा 9 नंबर का क्वेश्चन करेगा। देखो स्टूडेंट, ये 9 नंबर क्वेश्चन की एक जोरदार हिस्ट्री है। लास्ट ईयर ये सब मैंने पहले कराया, पूरे साल में मैंने 4 बार कराया। बोर्ड की एग्जाम के अगले दिन मैंने ये सब 2 बार कराया और बोला कि ऐसा सब कल पेपर में आ सकता है। स्टूडेंट, बोर्ड की एग्जाम में 4 मार्क में ऐसा ही क्वेश्चन आया, थोड़ी डिजिट चेंज की थी, मैंने बोला था ऐसे कि भाई 100% कल के पेपर में ऐसा सब आएगा, इसलिए दिमाग में फिट करो ये सबको कैसे कर सकते। आप लास्ट ईयर का बोर्ड का पेपर देख सकते हो, सेक्शन डी के अंदर ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो जो भी बोले कुछ चीजें स्टूडेंट ध्यान में नहीं रखते, 2 बार अगर बोर्ड के पेपर के अगले दिन ये सब आप 2 बार करो और थोड़ी डिजिट चेंज करके, माइनर डिजिट चेंज करके दूसरे दिन वो ही क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको आना चाहिए। लास्ट ईयर थोड़ा सा पेपर टफ निकला, आप तो ऐसे भी मारे जाने वाले हो क्योंकि पूरे साल ऑनलाइन पढ़े हो। लास्ट ईयर वाले तो ऑफलाइन पढ़े थे, यानी कि हम लोग आमने सामने पढ़े थे, और आप लोग तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, घर पे कोई मेहनत नहीं कर रहे हो। सब जब पेपर में आएंगे, उनका तो थोड़ा सा पेपर हार्ड था तो भी वो घबरा गए थे, ये सब नहीं कर पाए। मैनी स्टूडेंट नहीं कर पाए, 80% स्टूडेंट नहीं कर पाए। अब आपकी तो क्या हालत होगी, आप तो बिल्कुल मेहनत तो आप लोगों ने करने की छोड़ ही ली। तो ये सब अच्छे से समझोगे करोगे, प्रेजेंट ईयर एनुअल एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में लगभग अब ये सब नहीं आएगा क्योंकि लास्ट ईयर आ गया। जो भी सब अगले साल में आए वो दूसरे साल में रिपीट होता नहीं है। ये प्रेजेंट ईयर के लिए मैंने आपको इंक्रीज और डिक्रीज वाले सम बोले है ना, कि भाई कॉस्ट ऑफ सुगर इज इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज डिक्रीज, फास्टर ट्रेन, स्लोअर ट्रेन, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 नंबर 11 नंबर, ऐसे सब ये साल बोर्ड की एग्जाम के लिए हॉट फेवरेट। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखना थोड़ा डेंजर है, जो भी क्वेश्चन बने वो टेक्स्ट बुक में लिख के रखना। क्या है भाई, 2 वाटर टैप टूगेदर कैन फिल अ टैंक इन अ 9 × 3/8 आवर। कभी टैंक के अंदर 2 वाटर टैप यानी कि 2 नल है, दोनों मिलकर टैंक को कितने आवर में फिलअप करते हैं स्टूडेंट, 9 × 3/8। उसके ऊपर एरो करके सिंपल फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, कभी 9 × 72 + 3 = 75/8 लिख रहा, यानी कि आपको पता चले लास्ट ईयर कुछ 1 × 1 अपन ऐसा कुछ रखा था। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो लार्जर टैप है, एक छोटा टैप है एक बड़ा टैप है, लार्जर टैप को 10 आवर कम लगते हैं, भाई स्मॉलर जो फिल करे उससे लार्जर को फिल करने में स्टूडेंट क्या होता है भाई, टैंक को सेपरेटली फिल करने में 10 आवर लेस लगते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, यानी कि दोनों टैप दोनों नल सेपरेटली कितने आवर के अंदर टैंक को फिल कर सकते। तो सबसे फर्स्ट स्मॉलर टैप लेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप
टेंट इज इक्वल टू एक्स ओवर, चलो अब लार्जर टेंट आएगा तो क्या लिखेंगे, द टाइम टेकन बाय लार्जर टेंट टू फिल द टेंट इज इक्वल टू, इससे 10 आवर कम लगते हैं एक्स माइनस 10 आवर। देखो क्वेश्चन में दिया है कि भाई लार्जर टैब को स्मॉलर टैब से 10 आवर कम लगते हैं, यानी कि क्या होगा भाई एक्स माइनस 10 आवर। अब दोनों जो है वो क्या करते हैं भाई टैब को फिल करते हैं, तो स्मॉलर टैब 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, लार्जर टैब 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा वो लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैब इन 1 आवर इज इक्वल टू, क्या बनेगा भाई 1 अपॉन एक्स, बराबर है कभी पार्ट ऑफ टैंक कभी एक आवर के अंदर स्मॉलर टैंक टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा वो फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैंक इन 1 आवर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, सेम लार्जर का फाइंड करेंगे कभी पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय लार्जर टैब इन 1 आवर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस 10 चलो फिर दोनों को मिलकर कितना टाइम लगता है लिखो, बोथ दी टैब फिल द टैंक इन कितने आवर लगते हैं जरा देखो तो 9 इंटीजर 3 अपॉन 8, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो 75 अपॉन 8 आवर, दोनों मिलकर भरते तो अब क्या लिखेंगे, इक्वेशन जब भी बनाओ ध्यान रखना इक्वेशन क्या बनेगा, ये इक्वेशन टेक्स्ट बुक में लिख के रखोगे 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू, आप लोग लिखोगे क्या लिख दिया आप लोगों ने 75 अपॉन 8 आवर, बट ये तो पार्ट है स्टूडेंट पार्ट है, तो क्या ध्यान रखो कि ये वाला सम स्पेशल सम है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में रिपीट होने वाला नहीं है, बराबर है प्रेजेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर, बट ध्यान रखें कि जब भी ये सम आए क्या लेना पड़ेगा भाई 8 अपॉन 75, अगर 75 अपॉन 8 आपने लिख दिया तो आंसर कभी भी नहीं आएगा, समझ गए, उल्टा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोग एक चैप्टर पढ़े थे 7th स्टैंडर्ड के अंदर वर्क एंड रेम्यूनरेशन, इसमें ऐसे सम आते थे बट वो तो भूल गए हम लोग, चलो इसके इक्वेशन का सिंपल इक्वेशन टेक्स्ट बुक में लिख रहा, इक्वेशन का सिंप्लीफाई कर क्या आएगा भाई एक्स माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 10x इज इक्वल टू 8 अपॉन 75, चलो यहाँ पर x प्लस एक्स यानी कि कितना होगा 75 को इधर लेकर आए 75 इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेर माइनस 10x, चलो ब्रैकेट ओपन करते 75 पूछा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वेर माइनस 80x, चलो एक काम करें
ये दोनों को उठाकर सामने ले जाए तो क्या बनेगा, इसको आगे ला देते हैं, एट एक्स स्क्वायर माइनस 80x, चलो इसको सामने ले जाते माइनस 150x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो, तो 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू जीरो। चलो सब में से कुछ कॉमन निकलता है भाई, 2, 4 निकाले तो क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है 4, पहले नहीं होगा, 2 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू जीरो। चलो एक काम करें, 375 मल्टीप्लाई 4 जो आया उसका स्प्लिटिंग करके ऐड करने से 115 आए, पहले 375 का स्प्लिटिंग करते 4 का तो 2 पूछा हो जाएगा, बराबर है। चलो तो 375 का स्प्लिटिंग करते 5 से पहले कर डालते, 5 से कितना होगा 15 जा, 5 से 3 जा और 3 से 1 जा और एक 4 है हमारे पास तो 2 जा, बराबर है। अब इसका अरेंजमेंट ऐसे करेंगे, स्टूडेंट एडिशन करने से क्या आना चाहिए, 115 आना चाहिए, तो चलो एक काम करते हैं, तो भाई 5 जा 25, 2 जा 50, 2 जा 100, देखो इनका क्या हुआ 100 और इनका देखो कितना हुआ 50, आगे 100 और 50 को स्प्लिटिंग लिख के रखोगे टेक्सटबुक में 100 मल्टीप्लाई 50, समझ के याद रहेगा आपको, बुक ओपन करोगे फट करके स्प्लिटिंग याद आ जाएगा। तो अब इसका स्प्लिटिंग लिखे, चलो स्प्लिटिंग 100 और 50 है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे कभी, एक 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू जीरो, चलो इधर से कॉमन क्या निकलेगा 4x, तो क्या आएगा भाई x माइनस 25 माइनस, चलो यहां से 15 को कॉमन निकाल दो तो x माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो, तो x माइनस 25 4x माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 15 अपॉन 4, इधर क्या लिखेंगे नॉट पॉसिबल, चलो x इज इक्वल टू 25 दोनों टैप फाइंड कर लो, कभी क्या लिखेंगे टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 25 आवर और दूसरा टाइम टेकन बाय लार्जर टेप इज इक्वल टू एक्स माइनस 10 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर। आप आंसर चेक कर सकते हो स्टूडेंट, एकदम इजी, समय पर ध्यान क्या रखना है, ये जो 75/8 अगर आपने इधर रख दिया आंसर कभी भी नहीं आएगा, 8/75 रखना है, समझ गए। पूरा करो, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 11 करें, ये पास्ट में एक बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए स्टूडेंट,
11 नंबर, ये प्रेजेंट ईयर के लिए व्हाट फैब्रिक है, सम ऑफ द एरिया ऑफ अ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। दो स्क्वायर है लाइक, चलो दो छोटे छोटे स्क्वायर बनाते हैं, एक बनाते एबीसीडी उसकी साइड लेते हैं चलो एक्स, और दूसरा बनाते पी क्यू आर एस उसकी साइड लेते हैं वाई, बराबर है। चलो तो क्या है भाई, ये दोनों के एरिया का जो प्लस है वो 468 है एंड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, इनके पेरीमीटर का डिफरेंस है वो कितना होता है भाई 24 मीटर होता है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। तो पहले दोनों की साइड लेंगे, सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज इक्वल टू एक्स मीटर। सेम इसका एरिया क्या बनेगा भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ले लेंगे एबीसीडी। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा है, आप लोग पढ़ चुके हो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होता है, एल यानी कि एक्स है, तो डायरेक्टली क्या आएगा भाई एक्स स्क्वायर आएगा। सेम इसकी साइड वाई है, तो सेम इसकी साइड लेंगे कभी ले द साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 5 मीटर। चलो इसका भी एरिया, क्योंकि हमारे पास क्या है दोनों के एरिया का प्लस है, तो भाई द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया लेंगे, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये दोनों एरिया का प्लस कितना होता है 468, तो क्या लिखेंगे सम ऑफ एरिया इज 468 मीटर स्क्वायर, यानी कि दोनों के एरिया का प्लस, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा भाई आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 बन गया, याद रख पूरा करो फिर आगे बढ़े। अभी इनके पेरीमीटर का डिफरेंस है वो भी ले लेते हैं, चलो हो गया इतना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कभी, दो स्क्वायर के एरिया का सम 468 होता है, उसमें कितना स्टेटमेंट दे दिया हमें, कितना लिखना पड़ा कभी स्क्वायर एबीसीडी की साइड उसका एरिया, स्क्वायर पी क्यू आर एस की साइड उसका एरिया, दोनों का प्लस। अब दूसरा स्टेटमेंट है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस है, तो याद करो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला कौन सा, 4l 4 मल्टीप्लाई साइन, तो पहले दोनों का पेरीमीटर लेंगे, क्या लिखेंगे कभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइन यानी कि 4x होगा स्टूडेंट। सेम पी क्यू आर एस कभी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 4y, ये मीटर पीछे मीटर चाहो तो लगा सकते हो। चलो अब क्या है भाई, ये दोनों पेरीमीटर का डिफरेंस कितना होता है स्टूडेंट 24 मीटर, तो क्या लिखेंगे डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अभी इक्वेशन नहीं बना है, डिफरेंस
of their perimeter is 24 meter. यानी कि दोनों पेरीमीटर है, दोनों पेरीमीटर का डिफरेंस, यानी कि रेशियो क्या बनेगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24, 4 से डिवाइड होगा तो x माइनस y इज इक्वल टू 6। याद करो चैप्टर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, माइनस y को सामने ले जाओ, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 6 प्लस y। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। चलो सेकंड नंबर का इक्वेशन बन गया भाई। अब क्या करोगे, देखो ये x की वैल्यू 6 प्लस y है, ये फर्स्ट नंबर की इक्वेशन में रख दो, रख सकते हैं। तो भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x के बदले में 6 प्लस y रखो, यहां पर लिखता हूं स्टूडेंट बराबर है, तो क्या लिखेंगे भाई, ये जो x है यहां पर लिखेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 8। चलो x के बदले में क्या लिख सकते हम लोग, 6 प्लस y लिख सकते, तो यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, 6 प्लस y ब्रैकेट बार स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 468 को लेफ्ट में ले जाते, चलो माइनस 468 इज इक्वल टू 0। चलो ब्रैकेट ओपन कर दी स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, 36 प्लस 6 टू जा 12y प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 468 इज इक्वल टू 0। चलो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 2y स्क्वायर प्लस 12y। चलो फिर 468 में से 36 को माइनस करो, अब माइनस 8 में से 6 गया तो 2, 6 में से 3 गया तो 3, माइनस 432 इज इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन निकलता है, 2 को कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 से डिवाइड कर दो 2 1 6 इज इक्वल टू 0। चलो क्या करना है, देखो स्टूडेंट प्रेजेंट ईयर बोर्ड की एग्जाम के लिए व्हाट पैकेट सम है, अब आपकी जिम्मेदारी है 5 बार ये सम कर डालोगे पेपर में आएगा, फट करके आपको आ जाएगा, समझ गए। चलो अब 216 एक काम करो, तो 216 का स्प्लिटिंग करो 6 साइड, 18 मल्टीप्लाई 12 करो तो कितना होता है, 118 मल्टीप्लाई 12 करो, करो जरा, आता है स्प्लिटिंग तो टेक्स्ट बुक में लिख डालो, पहला काम टेक्स्ट बुक में करना है 18 मल्टीप्लाई 12, समझ गए। चलो इसका स्प्लिटिंग लिखे, भाई y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0, तो y प्लस 18 y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, therefore y is equal to minus 18 और y is equal to 12, इधर क्या लिखेंगे, not possible, तब साइड फाइंड कर ले। चलो y मिल गया, x is equal to क्या है भाई, 6 plus y is equal to 6 plus 12 is equal to 18 meter, तो क्या लिखेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, दोनों स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है, क्या लिखेंगे, सो द साइड ऑफ बोथ दी स्क्वायर आर 12 मीटर एंड क्या लिखेंगे भाई, 18 मीटर। बोलो आप ये सब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पेपर में आ गया, क्या करोगे, रोगे कि सम करोगे, मेहनत की होगी तो सब आएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा, समझ गए। कुछ लोग तो जब टेस्ट में सम पूछते हैं डाइजेस्ट की मेथड आ जाती है, अरे इसमें नहीं आता तो डाइजेस्ट में से कहां से आने वाला है, इसलिए मैंने टेस्ट बंद करा दिया।
टेस्ट में डाइजेस्ट लेके बैठ जाते, उतारे मार लेते, हमें पता चल जाता है कि कहां से आ गया। चलो अभी भी एक और फॉर्म है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 87 के ऊपर जाओगे, एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15 मोटर बोट वाला। मोटर बोट वाला एग्जाम चैप्टर 3 में भी था, वो डिलीटेड हो गया, या फिर चैप्टर 4 के अंदर भी है, बट वो थोड़ा अलग है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। चलो वो मोटर बोट वाला सम करते हैं। अब मोटर बोट मोस्ट आई भी कर डाले सम, अब मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन अ स्टील वाटर टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पोर्ट फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब एक मोटर बोट है स्टील वाटर, स्थिर पानी के अंदर उसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, उसको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में 24 आवर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है भाई? 1 आवर। क्या लगता है? टेक 1 आवर मोर, 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो क्या फाइंड करना है भाई? स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करना। तो पहले हम लोग क्या लेंगे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम लेंगे। तो फर्स्ट क्या लेंगे? लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। चलो मोटर बोट की स्टील वाटर के अंदर स्पीड कितनी है भाई? 18 किलोमीटर पर आवर। तो क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ मोटर बोट, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टील वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, यानी स्थिर पानी में मोटर बोट की स्पीड कितनी है स्टूडेंट? 18 किलोमीटर पर आवर। अब हमारी बोट देखो स्ट्रीम, यानी कि जो झरना है स्ट्रीम है, उसकी स्पीड कितनी है भाई? x। स्थिर पानी के अंदर मोटर बोट की स्पीड कितनी है भाई? 18 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट दो साइड में जाती है, अपस्ट्रीम यानी कि जो स्ट्रीम है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, समझो। अपस्ट्रीम यानी सपोज नॉर्थ से साउथ में स्ट्रीम जा रहा है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी मोटर बोट, उसकी स्पीड है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और डाउन स्ट्रीम में जाएगी, जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम जा रहा है उस डायरेक्शन में जाएगी, उसकी स्पीड है वो क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी। आप अपना एग्जांपल ले लो कि भाई आप स्विमिंग करने जाते हो, पानी आता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वो आपकी अपस्ट्रीम है, आपकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज। और जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होता है उस डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे तो आपकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। तो अब हमें दो टाइप की स्पीड लेनी है, क्या लेंगे? स्पीड ऑफ मोटर बोट इन अपस्ट्रीम
इज इक्वल टू क्या होगा भाई 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर बराबर है। फिर डाउनस्ट्रीम की स्पीड लो, डाउनस्ट्रीम लो प्लस होगा डाउनस्ट्रीम में क्या लिखेंगे स्पीड ऑफ मोटर बोट इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू क्या होगा भाई 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। चलो हम दोनों को कितना डिस्टेंस कवर करना है 24 किलोमीटर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस 24। ये टाइम टेकर वाला स्टेटमेंट आएगा, क्या लिखेंगे भाई टाइम टेकर टू कवर 24 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। इज इक्वल टू 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, फिर डाउनस्ट्रीम आएगा क्या भाई टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू क्या होगा भाई 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। अब देखो मोटर बोट अपस्ट्रीम में जाती है डाउनस्ट्रीम में जाती है, दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई 1 आवर है, तो क्या लिखेंगे 8 take 1 hour क्या है भाई 1 कलाक, इसको क्या लगता है भाई 1 hour more यानी 8 take 1 hour more बराबर है। चलो स्टूडेंट इक्वेशन बनाएंगे कब भाई, तो इक्वेशन क्या बनेगा माइनस वाला पहले आएगा प्लस वाला पीछे आएगा दोनों के लिक्विड में माइनस, यानी क्या लिखेंगे 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये माइनस है, इसमें कम टाइम लगेगा ये प्लस है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 24 इंटू ब्रैकेट 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू ब्रैकेट 18 माइनस एक्स, नीचे क्या होगा एक बार प्लस है एक बार माइनस है क्या होगा 18 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, एक बार प्लस और एक बार माइनस है स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। चलो ऊपर ब्रैकेट ओपन करो 24 मल्टीप्लाई 18 करो भाई, तो भाई 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x अपॉन में क्या होगा भाई 324 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, देखो ऊपर 432 दोनों क्या हो गए कट हो गए, इसको सामने ले जाए तो क्या बनेगा 24 प्लस 24 यानी कि 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब जरा सोचो 48x को सामने ले जाएंगे इसको इधर लाएंगे, सोच लो देखो ये एक्स स्क्वेयर वाली टर्म नेगेटिव है, ये दोनों को उठाकर इधर ले आओ तो आपका काम इजी हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस होगा ये प्लस है तो माइनस, 48 में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि इक्वेशन हमारा क्या बनेगा भाई भाई एक्स स्क्वेयर देखो माइनस का तो प्लस हो गया, फिर एक्स वाली टर्म पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा प्लस 48x और देखो प्लस 324 है तो क्या आएगा भाई माइनस 324 इज इक्वल टू 0 आया समझ में, दोनों को उठाकर इधर लाए और इक्वेशन को अरेंज भी कर दिया, ये माइनस का तो प्लस हो गया
पीरे जैसा है वैसा रह गया है और ये प्लस का तो माइनस हो गया। चलो 324 का स्प्लिटिंग करो, माइनस करने से 48 आए। देखो 324 18 जा होता है 2 से 2162 2 से 81 3 से 27 3 से 9 3 से 3 3 से 1। अब इसको अरेंज ऐसे करना है कि भाई 48 आ जाए। देखो 3 3 9 3 27 54 54 माइनस 3 2 6 हो जाएगा। 54 में से 6 को माइनस करो, स्प्लिटिंग लिख के रखो, बाबा डिस्क्रिमिनेंट वाली मेथड दी। चलो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 54 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 54 और x इज इक्वल टू 6। इधर क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। अब लास्ट में ये आपका आंसर है, क्या लिखोगे, सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। आगे आंसर देख लो, लास्ट में लिखोगे सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। चलो स्टूडेंट अब दो संवर्ग करने हैं, 4.8 पूरा करो पहले। फोर पॉइंट फोर एक्सरसाइज में जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे। 4.4 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। इक्वल रूट के नीचे अंडरलाइन करोगे, बराबर है, टू इक्वल रूट के नीचे अंडरलाइन करोगे। फिर सिखाता हूं क्या करना है। चलो टू इक्वल रूट याद करो, डी ग्रेटर देन जीरो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, डी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो रेशनल रूट, और इक्वल रूट कब होगा, डी इज इक्वल टू जीरो लेके काम करना है। यहां पर सम के बाजू में लिखो टेक डी इज इक्वल टू जीरो, आपका आंसर आ जाएगा। टेक्स्ट बुक में लिख के रखो, एक तो इक्वल रूट के नीचे अंडरलाइन करो और बाजू में लिख लो डी इज इक्वल टू जीरो। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे कौन सा है, भाई 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। चलो केबीसी की वैल्यू लिख दे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k, c इज इक्वल टू 3। अब इक्वल रूट है तो क्या लिखेंगे, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टू इक्वल रूट। इक्वल रूट है तो क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू जीरो। जब इक्वल रूट हो डी इज इक्वल टू जीरो लेके ही काम करना है, क्लियर। चलो डी का फॉर्मूला रखेंगे कौन सा है, भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, इसमें वैल्यू रख दो तो क्या आएगा, भाई के स्क्वायर माइनस 4 इंटू
टू इंटू थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो की स्क्वेर माइनस फोर टू जार एट एट थ्री जार ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर की स्क्वेर इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई ट्वेंटी फोर, देयरफॉर की इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ट्वेंटी फोर, इसका रूट निकल सकता है फोर सिक्स जार ट्वेंटी फोर, यानी कि क्या आएगा भाई प्लस और माइनस टू रूट सिक्स, आप आंसर चेक कर सकते हो, टू रूट सिक्स भी आ सकता है माइनस टू रूट सिक्स भी आ सकता है फोर पॉइंट फोर। आगे देख लो पेज नंबर 351 के ऊपर, यानी कि जब भी इक्वल रूट हो आपको डी, देखो एक मार्क की ब्लैंक में ऐसे सब पास्ट में बहुत सारे आ चुके हैं, इक्वल रूट हो तो डी इज इक्वल टू जीरो लेकर के की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। चलो पूरा कर लो फिर सेकंड नंबर देखे, चलो सेकंड नंबर का इक्वेशन लिखो कौन सा है भाई, पहले इक्वेशन बनाओगे तो भाई के एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट ये सभी चैप्टर के मुझे आपको एमसीक्यू कराने हैं, बट जब कोर्स खत्म होगा साथ में हम लोग सारे एमसीक्यू, मैंने आपको बोर्ड के एमसीक्यू सेंड किए वही एमसीक्यू हमें करने बराबर है, वो सारे साथ में करेंगे। चलो ब्रैकेट पहले ओपन कर दे तो क्या बनेगा भाई के एक्स स्क्वेयर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, बराबर है। ए बी सी की वैल्यू लिखो, चलो ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू माइनस टू के, सी इज इक्वल टू सिक्स। चलो अब ये स्टेटमेंट लिखोगे हियर, ये स्टेटमेंट लिखो हियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट, इक्वल रूट तो क्या लेंगे डी इज इक्वल टू जीरो, देखो डी इज इक्वल टू जीरो। चलो फॉर्मूला लगाओ बी स्क्वेर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, चलो इसमें वैल्यू रखें माइनस टू के ब्रैकेट बार स्क्वेर माइनस फोर इंटू के इंटू सिक्स इज इक्वल टू जीरो। चलो इधर क्या है कभी फोर ए स्क्वेर माइनस ट्वेंटी फोर के इज इक्वल टू जीरो, चलो दोनों में से फोर के कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा भाई के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर क्या बनेगा एक फैक्टर फोर के है तो फोर के इज इक्वल टू जीरो और के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर के इज इक्वल टू जीरो और k इज इक्वल टू सिक्स, ये दोनों आंसर हो गए, समझ गए। तो जब भी ब्लैंक में आए आप ऐसे फाइंड कर सकते, इक्वल रूट हो तो d इज इक्वल टू जीरो लेकर काम करना है। जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आएंगे ऐसे एमसीक्यू, वहां पर थोड़ी मजदूरी करेंगे। तो स्टूडेंट आज इतना रखते, कल आगे सोचेंगे क्या करना है, तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।